अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जी वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी ब्रेकफास्ट से। अपने लिए मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी, और आप भी शुक्र कर रहे होंगे कि आज की जो वीडियो है वो कोई हमें टमाटर और प्याज देखने को नहीं मिले। तो मैंने अपने लिए जी यहाँ पर और अपने लिए जी यहाँ पे मैं बना रही थी जी ऑमलेट। कीमा बेड़ा बिल्कुल भी नहीं खाने को दिल कर रहा था, और अम्मी बार बार मुझे फ़ोर्स करती हैं कि नहीं जी तुम कीमा खाओ। कीमा भी वैसे वो सुर्ख मिर्च में बिल्कुल नहीं बनाया था, थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च और नमक डाल के उस ये यखनी निकाल के और जो है वो भून के अम्मी मुझे देती हैं खाने के लिए, तुम्हारा जो है वो ज़ख्म जो है जल्दी हील होगा। तो मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल करता खाने के लिए, मुझे पसंद ही नहीं है एक किस्म का इस तरह से काली मिर्च डाल के यखनी में पी लेती हूँ, लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे मैं जी मैं फिर मैंने सोचा कि अपने लिए जो है मैं सिंपल सा ऑमलेट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है वो सुर्ख मिर्च और नमक डाल के जो है ऑमलेट बना लिया था। उसके बाद जी मैंने करवाए थे मुंतहा के कपड़े चेंज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है मुझे दूसरी बेटी दी है, बड़ी बेटी का नाम जो दुआ है, और जो अभी मैंने अपनी ये छोटी है इसका नाम भी मैंने खुद ही रखा है मुंतहा। तो सबसे पहले मैंने इसके करवाए थे जी कपड़े चेंज। आज मैंने हॉस्पिटल जाना था अपने स्टिच ओपन जो है वो करवाने के लिए। और यहाँ पे जी कैमरे में देख के जी फर्स्ट टाइम मेरे में इतना हौसला पड़ गया कि मैं अपने आप को कैमरे में देख के सेट करूँ और जी अपनी वीडियो बनाऊँ। बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं फ़ोन मैंने किस तरह से पकड़ा, फर्स्ट टाइम इस तरह से मैं पिक ले रही हूँ, पता नहीं ठीक भी लेगी है या नहीं। बस मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस किए थे, उसके बाद जी हॉस्पिटल का थोड़ा सा मैंने बना लिया था जो अंदर है मेरा जो सिजेरियन है वो जी सारा मेमोरियल हॉस्पिटल से हुआ है टाउनशिप में। जो लोग टाउनशिप में रहते होंगे उनको पता होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जी स्टिच ओपन करवाने के लिए बस आ गई। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा था, जस्ट 15 से 20 मिनट्स लगे थे, उसके बाद जी मैं घर जो है वो वापस चले गए थे। और आप जी मेरे अच्छा मेरे अभी ऐसा हो रहा है कि मेरे ना चैनल पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, बट सब्सक्राइबर जो है वो इतने ज़्यादा नहीं हो रहे। तो प्लीज़ यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। उसके बाद जी वापस आके अम्मी ने बनाया था जी पुलाव, बिल्कुल इसमें जो है वो अभी छोटी है बच्चे हैं, दुआ जो है वो भी खा लेती है, राइस शौक से खाती है, तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं मिर्चें अंदर डाली थी, बस हल्की सी जो है वो हमने जो काली मिर्च अम्मी ने है सिर्फ वही डाली थी और नमक डाल के जो है और इस तरह से बना दिया था। तो बिल्कुल लाइट सा था, तो मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था। उसके बाद जी बनाई थी जी साथ में सेवैयाँ। मेरे छोटे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा कुछ लोग उसे सेवैयाँ बोलते हैं, कुछ वो फ्योनियाँ शायद यही है बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पिंक कलर की मज़े की बनती हैं। उसके बाद जी शाम में दुआ के वो सेवैयाँ उसने बिल्कुल भी नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा जी उसके लिए बना देती थी हूँ मैं चिप्स बना देती हूँ, फ्राइज़ जो मैंने उसके लिए यहाँ पे बना रही थी। और इसके बाद भी मैं शाम का खाना मेरे में तो अभी मैं ट्राई नहीं ले रही कि वीडियोस बनाने के लिए मुझे कोई और जो कंटेंट मिल नहीं रहा कि मैं किस पे वीडियोस बनाऊँ। अभी इस बनाना स्टार्ट किया रमज़ान में, तो चलो बंदा खाने पे मैं बना रही थी कि ये वाली आज मैं डिश बना रही हूँ, ये वाली बना रही हूँ। लेकिन अभी जो है वो डेली लाइफ में पता नहीं लगता कि मैं जो है वो कौन सा कंटेंट पकड़ूँ और उसे बनाऊँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सारी चीज़ें समझ जो है वो लग जाएंगी। यहाँ पे भी शाम का खाना मैं अपनी सिस्टर के साथ जो बैठ के खा रही थी, आलू वाली टिक्कियाँ बनाई थी, साथ में दही थी और साथ में थोड़ा सा जो है वो सैलड बनाया था। और वीडियो जो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।